दाहोद नगर में लोगों की बस्ती धारित वैसे विस्तार में जंगली जानवर तेंदुए घुस आते हुए स्थानिक लोगों में भारी भगदड़ अफरा तफरी मचते हुए भारी जहमत के बाद जानवर को रेस्क्यू कर पकड़ा गया। लॉकडाउन के कारण जहां इंसान घर में कैद होने के लिए मजबूर बने हैं, तो वही जंगली जानवर खुराक की तलाश में इंसानों की बस्ती धारित विस्तार में प्रवेश कर रहे हैं। जहां घने जंगलों से घेरा हुआ दाहोद नगर में आज जंगली जानवर तेंदुआ घुस आते हुए पूरे नगर में भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ था। जहां दाहोद में घुसने के साथ ही तेंदुए ने महिला पर हमला किया, बाद मंडाव रोड पर अग्रवाल सोसायटी में भी घुस आते हुए स्थानीय सोसायटी के लोगों में हड़कंप छाया था, जो बाद तेंदुए ने शशिधन डे स्कूल की बाउंड्री को लांघकर घुस गया था। जहां पूरे विस्तार में भी भगदड़ का माहौल पैदा होते हुए लोगों में हलचल मची थी, जहां ये तेंदुए ने पूरे गांव विस्तार में हलचल मचाते हुए दो महिला और तीन पुरुष पर हमला किया था, जो बाद जानवर को रेस्क्यू करने के लिए जारी किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत बारिया धानपुर के वन विभाग के अधिकारी ने बायोनेट रेस्क्यू वाइजर गन से तेंदुए को इंजेक्शन देकर बेहोश किया था, जिसके बाद ये जंगली जानवर तेंदुए को रेस्क्यू कर उसे पकड़ा गया, जो दिल धड़क ऑपरेशन के तहत अपने घर छत गैलरी तथा गली मोहल्ला में भारी लोगों की भीड़ इकट्ठा होते हुए भारी हलचल मची थी। 7 बजे के आसपास लेपर्ड दाहोद शहर के अग्रवाल सोसाइटी में पाया गया था। तुरंत ही माहिती मिलने के बाद हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ स्थल पर पहुंच गया था। उसके बाद उसको रेस्क्यू करने की कार्यवाही की जाने लगी। तभी भी उसी समय लेपर्ड भाग के मंडावा रोड पे और उसके बाद स्नानागर में चला गया था। फिर वो एक पेड़ पे बैठ गया था। उसके बाद उसको डार्ट लगा के, मतलब ट्रैंकलाइजेशन गन लगा के, बंदूक से बेभान करके हाल उसको केज में ले लिया गया है। अब कोई इश्यू की बात नहीं है। इस समग्र प्रक्रिया में 4 से 5 लोग को थोड़ी मोटी इजा हुई है, उन लोगों को तात्कालिक हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। अब लेपर्ड करीबन 4-5 ईयर का लग रहा है। उसको वेटरनरी डॉक्टर के साथ, मतलब उसको मेडिकल चेकअप किया जाएगा, फिर उसका डिसाइड किया जाएगा कि उसका क्या करना है। थैंक यू। ऋषिराज कुमार, ACF, बारिया फॉरेस्ट डिवीजन। थैंक यू।